अर्जुन पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण से, हे माधव, हर मनुष्य के जीवन में महाभारत क्यों जन्म लेती है? अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण कुछ इस प्रकार देते हैं। हे पार्थ, यह बहुत ही उत्तम प्रश्न है और इस प्रश्न को हर व्यक्ति को करना चाहिए और इसका उत्तर भी प्राप्त करना चाहिए। तो सुनो, इच्छा, आशा, अपेक्षा और आकांक्षा, यही सब मानव समाज के चालक होते हैं। यदि कोई आपसे पूछे कि आप कौन हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? कभी विचार किया है? इस प्रश्न का उत्तर देते वक्त आप जान पाएंगे कि आपकी इच्छा ही आपके जीवन का परिचय दे रही है। अगर आपने कुछ पा लिया है तो वह आपकी सफलता का परिचय है, और अगर आप कुछ नहीं पा सके तो वह आपकी असफलता का परिचय है। हम अपना पूरा जीवन इन्हीं इच्छाओं के पीछे भागने में निकाल देते हैं, या यूं कहिए कि व्यर्थ कर देते हैं। लेकिन अपनी इच्छाओं को नहीं मार पाते हैं, किंतु हम ये नहीं जानते कि इन्हीं इच्छाओं के गर्भ में ज्ञान का बीज भी छिपा होता है, जो हमें ज्ञानी बनाता है। कैसे? विचार कीजिए, जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती या टूट जाती हैं, तब हमें मानसिक रूप से चोट लगती है और हम निराशा के दलदल में डूब जाते हैं, और वहीं पर यह ज्ञान का छिपा हुआ बीज फूटता है और हमें हमारी अज्ञानता से बाहर निकालता है। इसलिए हमारा जीवन केवल इच्छाओं का संघर्ष नहीं है और ना ही अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का साधन है। हमारा जीवन एक कथा है ऐसे बीज की, जो हमारी इच्छाओं के गर्भ से निकलकर हमें ज्ञानी बनाता है, हमें जीवन का मर्म सिखाता है, मनुष्य का धर्म सिखाता है, कीचड़ से निकलकर कमल बनना सिखाता है। और इस बीज की पूरी यात्रा का ही नाम है महाभारत। और इस यात्रा को पूरा करने के लिए हर मनुष्य को एक युद्ध लड़ना पड़ता है अपने जीवन को पूरा करने के लिए। इसीलिए हर मनुष्य के जीवन में यह महाभारत जन्म लेती थी, जन्म लेती है और आगे भी जन्म लेती रहेगी। इस पर स्वयं विचार अवश्य करना पार्थ। राधे राधे। विनम्र प्रार्थना। और ज्ञान पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबा के ऑल सेलेक्ट करें। आपका आभार।